शानदार 59 रनों की पारी खेलने के बाद धोनी के लिए ये क्या बोल गए रैना, होगी हैरानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, चेन्नई और दिल्ली के बीच आईपीएल का 50वां मुकाबला चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां चेन्नई ने दिल्ली को 80 रनों से रौंद दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत काफी खराब रही और चेन्नई ने पावर प्ले में महज 27 रन बनाए। बाद में सुरेश रैना धोनी की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत चेन्नई ने दिल्ली को एक तरफा मुकाबले में 80 रनों से रौंद दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। इस लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनकी तरफ से सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर ही टिककर बल्लेबाजी कर सके। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 31 गेंदों पर 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बावजूद दिल्ली की पूरी टीम मात्र 16.2 ओवरों में 99 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह दिल्ली ने यह मैच 80 रनों से गंवा दिया। मैच के बाद सुरेश रैना ने कहा कि हम इस जीत से काफी खुश हैं क्योंकि हम टॉप 2 में निश्चित ही बने रहे। 59 रनों की पारी के बाद रैना ने कहा कि धोनी के सहयोग के बिना इस संभव नहीं हो पाता। उन्होंने मैदान पर बार बार मोटिवेट किया, जिसके बाद आत्मविश्वास बढ़ा और मैंने लंबी शॉट खेलने शुरू की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।